देश में महामारी बन चुके कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव और सावधानी के लिए उज्जैन में चैत्र नवरात्रि शुरू होने के पूर्व आने वाली भूतड़ी अमावस्या के स्नान पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया है कि अब किसी भी श्रद्धालु को इस वर्ष आस्था की डुबकी नहीं लगाने दी जाएगी। आगामी चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले भूतड़ी अमावस्या कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के भय से शिप्रा नदी और कलियादेव पैलेस पर श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शनिवार को कलेक्टर की बैठक में निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व महाकाल में श्रद्धालुओं को जाने को प्रतिबंधित किया गया था और अब कोरोना संक्रमण की अधिक संभावना के चलते भूतड़ी अमावस्या के स्नान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा तट के साथ ही कालियादेह महल पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। उज्जैन से अजय निमक रिपोर्ट। इस बार भूतड़ी अमावस्या 24 मार्च को पड़ रही है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अपने देश में भी देखने को मिल रहा है, तो उसको चलते हम लोगों ने भूतड़ी अमावस्या की व्यवस्थाओं पर इस बार प्रतिबंध लगाया है और ये हमने सभी के अनुरोध पर किया है। हमारी इसमें पुजारियों धर्मगुरुओं से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा क्योंकि इसमें सोशल कॉन्टैक्टिंग बहुत अधिक होगी और एक रुके हुए पानी में स्नान करने की करने का कोशिश करते हैं लोग, तो इसलिए बेटर होगा कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, तो उसको चलते हमने इसको प्रतिबंधित किया है। मेरा लोगों से अनुरोध है कृपया अपने घर में ही रहें, भूतड़ी अमावस्या पे एकत्रित होने की से बचें जिससे कि हम इस संक्रमण से बच सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए